हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। इस सेटअप के माध्यम से मैं आपको मार्केट का टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स यानी कि बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, FIs DIs हैं, वो किस लेवल्स पे बैठे हुए हैं एज अ कॉल राइटर, एज अ पुट राइटर, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस को सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ, जहाँ पे मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। चलिए कम टू द टॉपिक। सो निफ्टी फ्यूचर्स का जैसे कि लेवल मैंने परसों बनाया था, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कल अगेन मैं थोड़ा सा अपने काम में बिजी हो गया था, लेकिन लेवल सेम थे। एग्जैक्ट जो लेवल्स आपको ड्रॉ करके रखे हुए वही लेवल्स थे। कल मार्केट पूरे रेंज में ही था। कल मार्केट अगर 21 से 22 तारीख की बात करूं, 21 से 22 तारीख की बात करूं, मार्केट ऑलमोस्ट अपने रेंज में फंसा हुआ था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, ठीक है। तो लेवल सेम थे इंटैक्ट। क्या बताया था आपको, अगर कोई मुझे स्टूडेंट बता दे, मैंने आपको क्लियर कट एक मैसेज डाला था कि बॉस निफ्टी फ्यूचर्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लेवल्स बताए थे, बाई चांस मार्केट 8:24, 8:47 के ऊपर अगर 10 मिनट सस्टेन करेगा, देन ओनली थिंग फॉर द बाइंग, राइट। देर इज नो बाइंग, नो मूवमेंट, नथिंग, कुछ भी नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्या था, कल एक हडल भी मैंने आपको बताया कि बॉस ये एक हडल बन रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो एक डेडिकेट बाउंस देगा जो कि 847 तक रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि भैया हाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट नहीं गया। लेकिन आज देखो किस तरीके से इसने आज प्रीमियम गलाए। आज ऑप्शंस राइटर्स का गेम था, ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं उनके लिए अच्छा खासा रामबाण था। आज उन्होंने जिसने इसमें ट्रेड किया हो अच्छा खासा पैसा बनाया। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और ऑलमोस्ट 10 से 15 करोड़ के फंड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आज की डेट में, और काफी अच्छा चल रहा है। हम लोग का जो टारगेट होता है इसमें ROI महीने का 3 से 4%, 5% बन जाए तो हमारे लिए समझ लो गंगा नहाने वाली बात हो जाती है। तो ऑप्शन राइटिंग करके अगर मैं आपको दिखाऊं, आज मैंने सर मेरा ऑलमोस्ट 8% का ROI इस महीने बन चुका है, 8% ROI। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, 100% ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद फिर काम की बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी अपनी शेयर करता हूँ, एक छोटा सा अकाउंट आपसे शेयर करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सर आप देखें, अगस्त मंथ में 8% तक का टारगेट हमने अचीव कर लिया है, जो कि एक ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। एक ऑप्शन सेलर सोचता है कि भैया अगर मेरे को 1 से 2% मिल जाए मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा बोलोगे तो 2 से 3% मिल जाए मेरे को बहुत है। अगर मैं इस महीने आज 22 तारीख का, कल तक 21 तारीख तक अगर मैं अगर 10% कमा, 8% कमा के बैठा हूं, आई थॉट मेरे लिए बहुत है। अब मैंने थोड़ा सा अपना नया सिस्टम लेके आया, जो पुराना सिस्टम था उसमें नंबर ऑफ सेटअप्स मेरे बढ़ गए थे, थोड़ा सा पॉज का कर रहा था, तो अब मैंने एक और नया सिस्टम लिया है, ऑलमोस्ट ये लगा लो एप्पल का स्टूडियो मैंने लिया है, आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर। अब वो बनाया है जिसमें कि मेरी 5-6 स्ट्रैटेजीज और उसके अंदर एड ऑन कर रहा हूं, टोटल 28 स्ट्रैटेजीज मेरे सेटअप पे चलते हैं, 28 प्लस 5 से 8 स्ट्रैटेजीज और डलेंगे तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 35 से 38, 35 to 38 स्ट्रैटेजीज कोड करके स्टॉक सिलेक्शन लगा रखा है मैंने। अब वो बन गया है, अभी एप्पल का ले लिया है, पहले अभी तक हम सिस्टम पे काम कर रहे थे, सर्वर्स पे काम कर रहे थे, लेकिन वो मैंने अपने स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करने के लिए, 10 तरह की चीजों के लिए करने के लिए नया सिस्टम मैंने खरीद लिया। अब होपफुली मेरा टारगेट है महीने का 10% ऑप्शन सेलिंग से, दिस इज माई टारगेट। आई डोंट नो अचीव होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर साल भर का 50-60% ROI बना के दे रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गुड एंड विन विन सिचुएशन, जो कि टचवुड पिछले महीने ऑलमोस्ट 57% का ROI हम लोगों ने बनाया। इस महीने अभी तक मैं आपको दिखा देता हूं, इस महीने का अभी तक लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, है ना, ये लाइव है। और अगर इफ आई टॉक अबाउट, रिफ्रेश कर देता हूं आप लोग के लिए, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर प्लीज अपना वेरीफाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ, तो मेरे भाई सीखना उससे जो मार्केट में खुद कमाता हो, ना कि उससे जो सिर्फ सोशल मीडिया में छाया हुआ है, जो सिर्फ ज्ञान फैल रहा हो। बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी सुनने के, लेकिन पैसे कमाने के बारे में बात करेंगे ना तो बात करेंगे सर आधा परसेंट मिल जाए, 1% मिल जाए, हमारे लिए तो बहुत होता है, बड़ा सोचोगे तब बड़ा मिलेगा, नहीं तो सर चली गई गाड़ी। एनीवे अगर मैं बात करूं, जो मैंने इस महीने जो हमने टारगेट अभी तक बनाया 1 अप्रैल से लेके आज 22 तारीख तक, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कल तक ही कैलकुलेट करेगा, देख लेते हैं, आपके सामने लाइव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, लाइव प्रूफ है कितना मैंने 57 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया,
जिसमें से 3 लाख रुपए समथिंग का मैंने ब्रोकरेज दिया। सोचो 57 लाख में 3 लाख, 3.5 लाख रुपए अगर ब्रोकरेज दे रहे हो तो प्लीज कमेंट करना कितने परसेंट का ब्रोकरेज हुआ। पहली बात, अगर आप किसी का एमटीएम देख रहे हो तो ये नोटिस करना कि ब्रोकरेज देके तो नहीं बर्बाद कर लिया अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे पैसा तो 2 लाख कमाया होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाया होगा, लेकिन ब्रोकरेज उससे ज्यादा दे दिया। बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे आपको कि 10 लाख कमाने पे 20 लाख ब्रोकरेज दे दी, 1 करोड़ कमाने पे 2 करोड़ ब्रोकरेज दे दी। भाई सेटअप ऐसा होना चाहिए कि भैया ब्रोकरेज 10% से नीचे हो, जो भी आपके खर्चे हैं वो आपके प्रॉफिट के मुकाबले 10% से नीचे हो, तो वो एक पावरफुल सेटअप होता है, A1 सेटअप होता है। अदरवाइज प्रॉफिटेबल हो तो भी पैसा तो बनी रहना, ब्रोकरेज देने का पैसा बना रहे हो यानी कि आप ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे, ये भी याद रखना। तो सेटअप की खासियत, 5 लाख के, 57 लाख के प्रॉफिट में 3-4 लाख रुपए का ब्रोकरेज, और नेट प्रॉफिट के अंदर मैं बात करूं तो 53-56 लाख रुपीज का अब तक 1, 2, 3, 4, 5 महीने पकड़ लो, क्योंकि 21 दिन ये है। मैं अब इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूं, एल्गो नहीं चलाऊंगा, सिर्फ एक लॉट पर काम करूंगा, बात खत्म, सिर्फ बैक टच करने के लिए, सब चीज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट मेरा काम 8% इस महीने बन चुका है 21 तारीख तक, और 53 लाख रुपए मैंने इस 4 महीने में, 4.5 महीने में बना के बैठा हूं। मेरा टारगेट है साल भर में, मैंने आपको याद है दिया था अपने आपको टारगेट कि मैं साल भर में इसी अकाउंट पे 1 करोड़ रुपए कम से कम बनाऊंगा, लेकिन वो कैपिटल था मेरा कितने का, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का कैपिटल था, जहां मैंने बोला कि 2 करोड़ के कैपिटल पे मिनिमम 50% आरओई की बात करूं तो 1 करोड़ पे बना के दिखाऊंगा। लेकिन अब मैंने धीरे धीरे जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो 57 लाख है, इसको मैंने निकाला नहीं है, इसको एड ऑन कर दिया, इसको कंपाउंडिंग में लगा दिया है। तो अब मेरा कैपिटल जो पहले 2 करोड़ का था, अब वो 2.5 करोड़ के आसपास का हो गया, तो अब 2.5 करोड़ के एफपीएल को चला रहा हूं, और जैसे जैसे ये मेरा प्रॉफिट देता रहेगा वैसे वैसे मैं पैसा नहीं निकालूंगा, मैं अपनी कंपाउंडिंग करते चले जाऊंगा, यानी कि अपने लॉट साइज बढ़ाते चले जाऊंगा अपने सेटअप के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है, पैसे से पैसा बनाएंगे, ये मेरा पर्पज था और आपके सामने प्रूफ है। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके, जहां पे लोग बात करते हैं, बड़े बड़े आपने यूट्यूबर्स के नाम सुने होंगे, दे आर ऑप्शन राइटर या फिर ऑप्शन सेलर बोल लो, ऑप्शन सेलिंग करते हैं और सुकून से अपना 2 पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये सेटअप सिस्टमैटिक वे में चलता है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच, अपने आप ही स्टॉक्स आते हैं, चीजें निकल के आती है, स्कैन होती है, सिलेक्शन में जाता है, प्रोसेस होता है। 38 स्ट्रैटेजीज मैं डिप्लॉय करता हूं, 38 स्ट्रैटेजीज का मंथन निकालकर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के, फाइनली ये एमटर्म आपके सामने लाइव बना रहा हूं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, 8% कर रहा हूं आपके सामने। राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट, चलिए अब काम की बात करते हैं, आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हो, आप कैसे काम कर सकते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। यही मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हेल्प होती है तो दुआ में याद रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए सर। अब मैं बात करता हूं सर, 24847 इज अवर लक्ष्मण रेखा, तो मोटा मोटी मैं इसको हाई को मार्क कर लूंगा, जो कि करीब करीब आएगा 24,870, कितना मैं मार्क कर देता हूं सो दैट आप लोगों को समझ में भी आएगा कि क्या लेवल आया। ये देखिए 24,870 इज आवर लक्ष्मण रेखा, अगर इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन करेगी 25,000 ऊपर का लक्ष्मण रेखा दिख सकता है, 25,047 एंड 25,070 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और इसी रेंज में फिर से सेल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। बाय चांस मार्केट इसके नीचे चले जाता है, इसके नीचे 10 मिनट भी सस्टेन कर जाए, तो मेरे दोस्तों पहला जो नीचे का लेवल होगा 24,647 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड 24,547, 24,470 तक का लेवल होगा, और जैसे पिछली बार ही बताया था इसके ऊपर अगर गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहला। दूसरा आपको अपडेट किया था, इस बार अगर इसके नीचे गया तो पहला और ये दूसरा, और यहीं से वापस मार्केट बाउंस बैक देने का पूरा पूरा चांसेस है, पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी है। अब क्या ये डेटा भी हमें यही बोल रहा है, क्या बड़े ऑपरेटर्स भी यही बोल रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, एक सेकेंड, यस, निफ्टी का डेटा हम बात कर रहे हैं जो कि आज की यानी कि 22 की एक्सपायरी थी, आज जबरदस्त एक्सपायरी है। नाउ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में क्या होने वाला है। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरे दोस्तों देखो, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, ये पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, दिख रहे डॉट डॉट, ये इंक्रीज हुए हैं, यहां पे पुट साइड में भी इंक्रीज हुए, कॉल साइड में भी इंक्रीज हुए, यानी कि 24,800 पे जबरदस्त दोनों फाइट करना, कोई हारने को तैयार नहीं, कह रहा हम फाइट करेंगे, हम अभी हार नहीं मानेंगे। बट अगर हार माने, अगर कॉल वाले बंदे हार मान गए, यानी कि अपसाइड जो रेजिस्टेंस होगा, देखो दूर रेजिस्टेंस कहां बन रहा है,
25,000 रुपीज के आसपास बढ़ रहा है, यानी कि यहां से 200 पॉइंट ऊपर का हर्डल है। तो क्रूशियल जो लक्ष्मण रेखा होगा 25,000 का एज अ डेटा के हिसाब से होगा, यानी कि जो ऑप्शंस कॉल इंटरेस्ट वाले बंदे हैं, कॉल ओपन इंटरेस्ट वाले बंदे हैं, वो 42,42,95,000, जिसमें कि 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं आज की डेट में, 3.5 बजे तक 54 लाख बन के क्लोज हुए हैं। पुट में देखो दूर दूर तक पुट नहीं है इस जगह पे, पुट कहां पे है इस जगह पे देखो पावरफुल खड़ा है, यानी कि 24,500 इज आवर सपोर्ट जोन, 25,000 इज आवर लक्ष्मण रेखा यानी कि रेजिस्टेंस जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इस रेंज में आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जो डेटा आपको बता रहा है, साथ में कल की बात आज का जोड़ लो, दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन लगाओ, काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। तब तक ये छोटे मोटे हर्डल्स रहेंगे जो आपको एज पर डेटा दिख रहा है। राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी का डेटा की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी बाबा, आज अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम में हो तो मैंने क्लियर कट मेंशन किया कि भैया 50,856 के नीचे आएगा देन ओनली थिंग फॉर द सेल, अदरवाइज नो सेल एट ऑल। और देखो मार्केट ने एग्जैक्ट किस किया रेंज से बाउंस बैक दिया। ये पावर है लक्ष्मण रेखा की, ये पावर है लक्ष्मण रेखा की। अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरीके से एडवांस प्रोडिक्शन करी जाती है, किस तरीके से एनालिसिस करी जाती है, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज क्या है, मेरे दोस्तों एक गुड न्यूज, 9 सितंबर से 21 सितंबर आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा हूं, जहां पे किस तरीके से 1% या 2% जो ऑपरेटर स्ट्रेटेजी है वो कैसे काम करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से बड़े साइकोलॉजी बड़े ऑपरेटर काम करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस मोर देन 3-4 स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको एक प्रोफेशनली ट्रेडर और इन्वेस्टर और स्कैल्पर बनाने की कोशिश करी जाएगी, सिखाया जाएगा एज टू एज 18 साल का एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि पैसा बनाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट लैंग्वेज आनी चाहिए और ट्रिक्स को समझो ना कि टेक्निकल एनालिसिस को। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मेरे साथ अकाउंट ओपन कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा सैटरडे संडे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कुछ लॉजिक सीख रहे हैं, ट्रिक सीखने, ऑपरेटर कहां बैठता है, बड़े एफआईएस इंस्टीट्यूशंस कहां बैठते हैं वो कुछ समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, सिंपल प्राइस एक्शन को समझना है भाई, वो सिखाऊंगा जो आपको पूरी किताब में यूट्यूब में कोई बंदा नहीं सिखाएगा। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं सिखाएगा, दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, मैं फिर बोल रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, सीखना उसे जो खुद कमाता हूं और सीखना उसे जो जेन्युइनली काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। राइट चलिए अब बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूं, तो आई होप आप रजिस्टर्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप उसे कर लेना या फिर मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सामने आ जाएगा 8468815500, सो दैट आप मेरे साथ इस क्लास, अच्छा ये क्लासेस पता है कितने दिन की है सर, गाइस देख लेना 9 सितंबर से 21 सितंबर 10 दिन की क्लासेस है, उसके बाद 6 मंथ्स का मेंटरशिप है, तो जो बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, इस सेशन को आपको ज्वाइन करना पड़ जाएगा, प्लीज कम व्हाट यू से, कितने लोग इंटरेस्टेड है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सीखते हैं कुछ अच्छी चीज सीखते हैं जिससे कि पैसा बने सर, साथ में मिलकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, नो ज्ञानबाजी, ठीक है चलिए। सो अब बैंक निफ्टी लेवल्स की मैं बात कर लेता हूं, ये जोन जो मैंने बताया कि कुछ नहीं करना था, टेलीग्राम में भी बताया, कमेंट जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वही एक प्रोफेशनल टेलीग्राम है, इसके अलावा कोई नहीं है भाई, दूर रहना। इस जोन में आएगा तो ओनली थिंग फॉर द सेल, एनी डेडिकेटेड बाउंस इस जोन में ओनली थिंग फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बात खत्म। दूसरा 51,256, जैसे कि पिछले परसों भी बताया था 51,256 के ऊपर अगर ये 10 मिनट सस्टेन करेगी तो 51,456 पहला, 51,856 दूसरा टारगेट आपको देखने को ऊपर मिल सकता है। अगर ये कल एक पैनिक क्रिएट करेगा, एक अगर गिरावट की कोशिश करेगा तो वेट वॉच, आपको कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि ये एक पावरफुल डिमांड है, क्योंकि गिरा तो आज भी था लेकिन यहीं से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया। तो मैं आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूंगा, 50,856 आवर सुपर सपोर्ट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी देन ओनली थिंग फॉर द सेल साइड, पहला और दूसरा और नीचे 50,156 तक का भी लेवल आपको नीचे देख सकने को मिल सकता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट हर्डल्स होंगे। ऊपर 256 के ऊपर नीचे जो क्रूशियल सपोर्ट है 50,156, अब जो ऑप्शन सेलर है 51,256 ऊपर का हर्डल नीचे का हर्डल,
अब आप इसके रेंज में अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई स्प्रेड, जो आपको मन करे, जो आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगती हो। ये सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बना रखी है जो कि मेरे सब सिर्फ और सिर्फ मेरे एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म से मेरे को इंडिकेट हो जाता है और उसी की हेल्प से मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, राइट। तो अगर आपको भी जो भी स्ट्रैटेजी इनमें से आपको जो अच्छी लगती हो आप इसी रेंज के अंदर बनाना, सो दैट आप लोगों को एक हेल्प हो जाए कि ऑप्शन सेलिंग किस जोन के अंदर करना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर की खासियत होती है उसको नहीं पता करना होता है मार्केट कहाँ जाने वाला, वो एक रेंज होता है। जो ऑप्शन बायर होता है उसके लिए टेंशन होती है कि मार्केट एग्जैक्ट कहाँ जाना है, सो दैट वो राइट डिसीजन लेके मार्केट में पैसा बना सके, राइट। तो लक्ष्मण रेखा हो गया। अब ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कहना क्या चाहता है, यानी कि बड़े ऑपरेटर इसमें कहां पे पोजीशन लेके बैठे हैं, बड़े ऑपरेटर इसमें सपोर्ट पोजीशंस कहां पे बना रहे हैं। अगेन 51,000 पे एक देखो, ये रहा 51,000 पे पावरफुल बायर एंड सेलर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, कह रहे हम नहीं हारेंगे, कोई हारने को तैयार ही नहीं है, इसलिए आज मार्केट पूरा रेंज में भी रहा आपको देखने को मिलेगा। एनीवे, बट आप नोटिस करना, कल कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा थे, पुट ओपन इंटरेस्ट कम थे, आज भी वैसा ही है, लेकिन जो बड़े हैं एड ऑन हुए हैं वो पुट ओपन इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा हुए हैं, कॉल ओपन इंटरेस्ट की तरफ कम हुए हैं। अगर मैं डेटा एंड फिगर्स एंड फैक्ट्स की बात करूं, देखो कॉल ओपन इंटरेस्ट 9/15 पे 17 लाख थे, चेंज ओपन इंटरेस्ट में 10 लाख हुए, टोटल कितने 27 लाख के हो गए, जो कि रेड वाला बार है, यानी कि कॉल ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं ग्रीन वाली बात की बात करूं, पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, टोटल 23 लाख है, ज्यादा फर्क नहीं, आसपास ही है, फाइट कर रहे हैं, बट एडिशन देखो किसमें कहां पे क्या हुआ है। एनीवे, बाय चांस ये 51,156 के ऊपर अगर निकलता है तो भैया सिंपल सी बात बताऊं, पहला और दूसरा जोन आपको ये लेवल्स देखने को मिलेगा, 51,500 एंड 52,000 का जोन मिलेगा, अदरवाइज लोअर साइड में 50,500 एंड 50,000 का जोन मिलेगा, जो कि लक्ष्मण रेखा पे भी मैंने कहीं ना कहीं यही लेवल्स आपको बताए हैं फ्यूचर्स के चार्ट में, और ये चार्ट स्पॉट का है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, जिसकी 6 दिन के बाद यानी 28 तारीख की एक्सपायरी है, ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट। सो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी स्ट्रैटेजीज के पास, लेके आता हूं कि बॉस आइए मिलकर सीखते हैं, समझते हैं, और अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने प्राइजेशन ट्रिक्स निकाला है, लॉजिक दिया है, उसको पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं 6 महीने हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। आपका स्वागत है, रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आशा करता हूं आपको काफी हेल्प होती होगी, अगर हेल्प हो रही है तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ हमारे साथ अकाउंट ओपन करके सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेक्निकल एनालिसिस क्लास है उसमें आप जुड़िएगा, सो दैट आप बेनिफिट टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।